أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقتة من لساني يفقه قولي अलहमदल्ल वसलम रसोल्ल वजमाई असल वरह तबरक आज शुरू के शुरू में जो अबाफ़ का क़स्ा है उसमें एक अज़ीम दुआ जो क़स्से से हट कर अल्लाह ने अपने नबी से को तलकिन की करने की उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे ये क़स्े के दौरान जब अब काफ़ी अर्से तक सोते रहे फिर अल्लाह ताली ने उनको उठाया और वक्त उनके लिए एक तरह से रुक गया था क्योंकि वो सो रहे थे उनको तो नहीं पता कि वो एक दिन के लिए सोए हैं या कई सदियों के लिए सोए हैं उसके बाद इस इस मुज़े के बाद अल्लाह ताला ने नबी की तरफ़ खिताब करते हुए कहा वक़्ुलईनिका गदा अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा कि तुम खबरदार कभी ये मत कहना कि मैं ये बेशक ये ये काम कल करने वाला हूँ यशा अल्लाह सिवाय इसके कि ये अल्लाह चाहे यानी इसी की वजह से हमारे कल्चर में हमारे रूहानी कल्चर में एक चीज़ फ़िक्शर बन गई कि हम मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा इंशा अल्लाह कहते हैं इंशा अल्लाह के माने होते हैं अगर अल्लाह चाहे अल्लाह की मशीत अगर हो और ये तीन अल्फाज हैं इन शाह अल्लाह हम उर्दू में तो इा को एक ही लफ्ज़ करके लिख देते हैं कभी कभार लेकिन ये असल में तीन अल्फाज हैं इन शाह अल्लाह हो तो अगर हमारा रब चाहे इस इससे गलत मुराद देना पहले तो इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बात रख दूं कि इससे गलत मुराद देना जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है हम क्या कहते हैं कि भाई अच्छा कल आप मीटिंग पर पहुँचेंगे तीन बजे हम कहेंगे इन इन से मुराद है पचास फीसद चांस है कि मैं नहीं पहुंचूंगा तीन बजे लेकिन मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इन ताकि अगर मैं तीन बजे नहीं भी पहुँचा मैंने कहा था ना इनशाला इसका मतलब है कि हो सकता है आऊँ हो सकता है ना हूँ या इन किसी को ऐसी बात यू you नो know, आगे करने के लिए कह देते हैं अच्छा जी आप जरूर ये ये काम मुकम्मल कर दीजिए जी इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह 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 से मुराद है कि आप रहने दें मैं करूंगा दिल चाहेगा तो करूंगा दिल चाहेगा तो नहीं करूंगा इसका सही इस्तेमाल क्या है कि मैंने फ़ैसला किया है प्लानिंग तो ज़िंदगी तो का हिस्सा है ना मुझे कल के लिए प्लानिंग करनी है मुझे अगले महीने के लिए प्लानिंग करनी है आपने ट्रैवल के लिए प्लानिंग करनी होती है बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी होती है पढ़ाई के लिए प्लानिंग करनी होती है हर चीज़ में प्लानिंग की ज़रूरत होती है और फ्यूचर के प्लानिंग का हमेशा फ्यूचर से ताल्लुक़ होता है कि आपने मुस्कबिल में कहाँ जाना है क्या करना है क्या तैयारी करनी है क्या सामान ख़रीदना है क्या कुछ करना है और फिर इन सब चीज़ों में प्लानिंग के बाद आपने हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि मैं जो भी प्लान बना लूँ मेरा जो भी स्कडूल मेरे दिमाग में हो वो सिर्फ़ इस वक्त एक्सीक्यूट हो सकता है जब अल्लाह की मशीत हो अल्लाह की मर्जी हो कि ये प्लान इस तरह एक्सीक्यूट होगा और मैं उस बार चीज़ को बार बार एक्नॉलेज करूं कि जो मुस्तबिल है वो मेरे हाथ में नहीं है प्लानिंग मैं कर सकता हूं तैयारी मैं कर सकता हूं लेकिन जो जो चीज़ मैं हज़ार दफ़ा पहले कर चुका हूं और वह हज़ार दफ़ा कामयाब हुई है इसका मतलब है एक हज़ार एक दफ़ा जब मैं करने लगाऊँ तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होगी वो हमेशा हर दफ़ा अल्लाह ताला की अपनी रज़ा होती है अल्लाह ताला की तरफ से कन फ़कून कून होता है उसके बाद जाकर वो काम हो सकता है और ये चीज़ हमेशा मुझे याद रखनी पड़ेगी कि मैं अपनी अपनी, अपनी पिछले ट्रैक रेकर्ड की बुनियाद पर एक ओवर कॉन्फिडेंस ना बना लूँ कि ऐसा ही होगा ऐसा ही नहीं होगा इसकी तरफ एक और इशारा इसी सूरत में अल्लाह ताला ने किया एक और किस्से के ज़रिए से के एक किसान है एक बाग़बान है उसका बाग़ बहुत अच्छा चल रहा है तो उसने अपने साथी से कह दिया वाला वोलादित रब्बी इला रब्बी अजीद हबुनकबा वमा अबुलस् कायमा ये मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई वग़ैरह आने वाली है अगर आएगी भी अगर कोई मेरा रब मुझे वापस लेके भी जाएगा तो इससे भी अच्छा मुझे मिलेगा और फिर उसके दिमाग में था कि ये लन तबीदा हाजही अबदा कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मेरा बाग है जो मेरा सेटअप है यहाँ पानी का इरिगेशन का सिस्टम इतना अच्छा है इसके मैंने दरख्त लगाए हुए हैं नकल के दरख्त लगाए हुए हैं इसकी सारी सिक्योरिटी सिस्टम है मेरे मेरे लड़के मेरे बेटे मेरे मुलाजिम मेरे लिए सारा काम करते हैं तो इतना अच्छा मैंने सेटअप बनाया हुआ है इसको ये कहाँ से ख़राब हो सकता है इट्स बुलेट प्रूफ़ यू नो तो अल्लाह ताला ने उसके बाग को जो है वो ख़राब कर दिया और उसको एक सबक सिखाया और ये सबक क्या था कि हमें मटेरियल पर इतना अतमद नहीं करना चाहिए कि ये इसी इसी की तरफ से गारंटी है मेरे पास गाड़ी अच्छी से अच्छी हो वो ख़राब हो सकती है और अच्छी वो ख़राब ना भी हो कार रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है मुझे अल्लाह ताला की मशीयत पर एक डिपेंडेंस करनी है तो इसीलिए हर चीज़ में जो कल के बारे में आप कहोगे ठीक है मैंने करना ही करना है मैंने कल मैंने कल फ़ैसला किया मैंने मैंने इस अपॉइंटमेंट में जाना ही जाना है जाने जाना है इनशाला जाऊँगा आपकी कमिटमेंट अपनी जगह है आप कर सकोगे या नहीं ये अल्लाह ताला पर डिपेंड करता है तो ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है जिसका हमारे कल्चर में हिस्सा बनना चाहिए और इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके ज़रिए से सुस्ती और वक्त की पाबंदी ना करना इन चीज़ों की तरफ़ हम हायल हो जाते हैं इसका बहाना लेकर ये ये ऐसी बात नहीं हो रही बट जी अल्लाह की मर्ज़ी नहीं हुई नहीं अल्लाह की मर्ज़ी तो थी आपने सुस्ती दिखाई तो उस उस पर अल्लाह को ब्लेम ना करें ये पहली बात फिर कहा इल्ला अल्लाव यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता कि अपने रब को याद रखें जब आप भूल जाएं यानी अगर फर्ज करें आपने किसी से कॉल की अच्छा कल कर मुलाकात करते हैं अस्सलाम वालेकुम कॉल हैंग अप हो गई फिर आपको ख्याल आया मैंने इंशाल्लाह नहीं कहा तो आप उस वक्त कह दें मेरे रब मैंने मेरे मैंने आपकी मशीत का जिक्र नहीं किया इंशाला कल मुलाकात होगी आपको ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉल करके कहो ओ हो हो कल की वर्ड में मैंने इन श्ला नहीं कहा था मैंने इनशाला अब कह दिया आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने रब को बताने की ज़रूरत है उसको याद दिहाने के लिए आप कह दें उसका भी फ़ायदा हो जाए तो उसको टेक्स मैसेज कर दें इनशाला कल मिलेंगे यानी आप ऐड कर दो वो चीज़ ना तो जब जब याद आ जाए या भूल जाओ तो याद आ जाए तो फिर याद कर लिया करो दूसरी बात इसमें है वो जिक्र का ताल्लुक दिल से होता है और जो चीज़ मैं याद कर रहा हूँ ना हम कह रहा हूँ इन जिक्र है ये लेकिन हम जब ये कल्चर की तरह से हम ये कह देते हैं सोचे समझे बगैर हाँ जी इनशाला कल बात होगी इन शह होगा इन शह और हम सोचते नहीं इस बारे में तो जब आप बस कह देते हो तो बाद में आपको ख्याल आना चाहिए सिर्फ मैंने ही जबान से ही कहा था कि मैंने दिल से भी कहा था दिल से वाकई अपने रब की तरफ रुजू करके मैं कहूँ मेरे रब तेरी मर्जी होगी तो ये होगा वबक है और इससे एक ह्यूमिलिटी आती है इंसान के अंदर उसमें एक गलत किस्म का अपने ऊपर घमंड नहीं आता इतना ख़ुद इतमादी इत्माद, खुद नहीं आती कि मेरी वजह से ही होगा जो होगा मैं करूँगा तो होगा उसमें आप हर अपनी कोशिश के बाद अल्लाह ताला की तरफ से नतीजा और ये फार्मूला जिस तरह मैंने दुआ के बारे में एक फार्मूला बार बार आपको बताया ना कि हम अपना हिस्सा करते हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है दुआ दुआ कबूल होती है दूसरी चीज़ जो इस इस दुनिया में अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है वो ये है कि कोशिश ज़िम्मेदारी है कोशिश मेरी ज़िम्मेदारी है नतीजा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है कोशिश मैं कितनी भी कर लूँ नतीजा अल्लाह की तरफ से आएगा तो आएगा मेरी कोशिश की वजह से नतीजा नहीं आएगा इसीलिए क़ियामत के दिन भी हमें नतज की बुनियाद पर फ़ैसला नहीं किया जा रहा हमें कहा जा रहा है अलही सलीलसानी वही सलील इंसानी लामा सा जो कोशिशें उसने की थी उसी की बुनियाद पर उसको दिया जाएगा देखें बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं दो बच्चे एकदम बराबर कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक का स्कोर ज़्यादा आएगा एक का कम आएगा नतज़ ताला के हाथ में है कुछ लोग बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं उनकी मेहनतें कोशिशें स्ट्रेटजी सारी एक जैसी भी हों लेकिन एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा वो क्यों होता है क्योंकि अल्लाह ताली की मशियत एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं है उसका कोई और फैसला है किसी के लिए तो हमारी एफर्ट्स जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी हैं और हम ये नहीं कह सकते कि वो नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है तो कोशिश करने का क्या फ़ायदा नहीं वो नतीजा देगा ही नहीं जब तक कोशिश नहीं करोगे लेकिन फिर भी नतीजे की डिपेंडेंस उस उस पर है नतीजा मेरे हाथ में कभी भी नहीं हो सकता तो ये चीज़ें ये ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा जहन में बैठ जाएँ तो फिर अल्लाह तला पर तोल आसान हो जाता है और फिर आपको नतज की बुनियाद पर अपनी वैल्यू करने के बजाय कोशिश की बुनियाद पर अपनी वैल्यू करना करनी आ जाती है मैंने कितना टाइम लगाया और इसी की इसी फ़लसफ़े को आगे मजीद करते हुए इस आयत के अंदर जो दुआ आ रही है वो बहुत अजीम तरीन दुआओं में से है क़ुरान की माइंड सेट के अतबार से यहाँ पर ना अमेरिका कैनेडा इंग्लैंड वगैरह में बिज़नेस के सेमिनार्स होते हैं सेल्फ हेल्प सेमिनार्स होते हैं प्रोडक्टिविटी सेमिनार्स होते हैं जिसमें गुरु जैसे ठोनी और ये इस सब के लोग होते हैं ये माइंडसेट के बारे में बात करते हैं और लोग दस दस हज़ार डॉलर जो है वो एक दिन का से, सेशन अटेंड करने के लिए जाते हैं इनकी बातें सुनने के लिए और माइंड की इतनी जो, जो ये बातें आप सुनेंगे ना जाके मैं कसम से मैंने मैं ये चीज़ें देखी भी, भी हैं किताबें पढ़ी भी, भी हैं मैंने इन लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व किया है मेरे एम्प्लॉइज़ से जो इन चीज़ों में जाया करते थे और मैंने फिर कुरान में जो चीज़ें देखी हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है और वो सारी चीज़ें जिन इन ये बात करते हैं जो सक्सेसफुल हैं वो भी मौजूद हैं और उसके मजीद ज़्यादा भी मौजूद है और ये आयत ऐसी है ये माइंड सेट वाली आयत है वकुल ली आशा मिन अकरबाहादा रशदा मेरी दुआ है कि अगले कुछ मिनटों में जो बात मैं आपके सामने रखूँगा वाकई आप इंटरनलाइज़ कर लोगे ये बहुत प्यारी चीज़ है बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है अगर आपकी और मेरी पर्सनलिटी में ये चीज़ आ जाए तो कामयाबी ही कामयाबी है वो क्या है तो वज़ को रबा का हदा नसीत अपने रब को याद रखो जब भूल जाओ वकुल और कहो आशा अनिया रबी लिया अक रबा मिनहदा रदा उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे करीब सीधे रास्ते पर हिदायत करेगा इसके ये मुख्तसर से अल्फाज़ हैं लेकिन इसके अंदर पूरी कायन मुजमर है उसको समझने की कोशिश करते हैं पहला लफ्ज़ है आशा आशा से मुराद होती है उम्मीदी ऑप्टमिज़म आपके अंदर एक मुसबत सोच है कि फ्यूचर में अच्छा होगा आपको फ्यूचर के बारे में एंगजाइटी नहीं है इसकी वजह से अगर पहले बैड न्यूज़ खरा बुरी ख़बर आती रही आती रही आती रही है कल उससे पिछले दिन उससे पिछले दिन और आप समझे मेरे साथ बस यही होता है मुझ पर तो पता नहीं कोई लानत है मेरे ऊपर कोई कर्स है मेरे ऊपर पता नहीं कहाँ से मुसीबत छाई मेरे ऊपर कोई यू नो आ, काला बादल छाया हुआ है मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता हमेशा खराब ही होता है हमेशा खराब ही होगा ये जो पैसमिज़म होता है ना इंसान का कि वो पीछे की चीज़ देख के आगे के बारे में भी नेगेटिव हो जाता है इस चीज़ को बर्बाद किया है ऐसा ने तबाह तो बर्बाद कर दिया है। जब आप ये दुआ करते हैं और आशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप पॉजिटिव पौ हो गए फ्यूचर के बारे में आपने जैसा आपका रब है आप जैसा आप रब रब के बारे में गुमान करोगे वैसा वो आपकी रियलिटी को बनाएगा आपकी हकीकत को बनाएगा अना अना इन दन अब्दी बी सही सही हदीस में मशहूर हदीस खुदसी में आता है जैसा मेरा रब मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा हो जाता हूँ अगर वो सोचता है मेरा रब तो मेरे साथ कोई खैर करेगा नहीं मेरे तो हालात बदलेंगे नहीं मेरी तो कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी मेरे साथ क्या बेहतरी होनी है अगर ये यही गुमान करोगे अपने रब के साथ तो वो यही करेगा तुम्हारे साथ लेकिन एक उम्मीद होती है और वो उम्मीद उसके टाइम टेबल पर होती है तो ऐसा अनियादी अन्य रबी उम्मीद है कि मेरा रब मेरी हिदायत करेगा और हिदायत जो है ये हर चीज जो दुनिया में मुझे चाहिए ना मुझे मुझे बिज़नेस में सक्सेस चाहिए मुझे तलीम में सक्सेस चाहिए मुझे फैमिली सिचुएशंस में मुझे कामयाबी चाहिए हर चीज़ में जो मैं अपने मसले हल करना चाह रहा हूँ ना उसकी एक की इंग्रेडिएंट है वो क्या है एक चीज़ है जो अगर हो वो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे वो हिदायत है अगर मेरे दिल में वाकई हिदायत आ गई उसके प्रिंसिपल्स आ गए तो मैं अपने हर लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई कर करूँगा करूँगा और हर चीज़ में मेरी मेरी कामयाबी आएगी तो मैंने अब दुआ की है अपने रब से कि आगे जाकर मेरा रब मुझे हिदायत देगा और हिदायत सिर्फ रूहानी हिदायत की बात नहीं होती और भी हिदायत होती है अल्लाह मुझे हिदायत देगा कि मैं कौन सा फ़ैसला करूँ कौन से लोगों के साथ मिलूँ अल्लाह मुझे हिदायत देगा कि मेरे जिसमें कौन कौन से लोग ऐसे लोग आएंगे जिनके जिनकी, जिनकी वजह से जिनकी नसीहत से जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से जिनकी मदद से जिनकी कोऑपरेशन से कितने और मेरे मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत होती है कि आप कि, कि, कि किसी की फ़्लाइट कैंसिल हो गई और वो अगली फ़्लाइट उसको लेनी पड़ी और यू नो आ, वो तो समझेगा कि मेरा सारा उसका ख़राब हो गया लेकिन अल्लाह की हिदायत थी कि वो वो फ़्लाइट कैंसिल हुई और अगली फ़्लाइट में वो जिसके साथ बैठा था उसके साथ उसकी बात हुई और वो वो कोई लाइफ चेंजिंग चीज़ हो गई कोई बिज़नेस पार्टनरशिप बन गई या उसने कोई किताब पढ़नी शुरू कर दी जिससे उसकी पूरी यानी पूरा आउटलुक बदल गया यानी ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जो अल्लाह हमें गाइड करेगा उनकी तरफ मेरी उम्मीद है कि अल्लाह मुझे हमेशा हिदायत देता रहेगा किस चीज़ की तरफ अब आगे चलते हैं सहित में वुल आसा अन यह दिय रबी लिया अकरबा मिन हादा राशदा यह इस दुआ का सबसे अहम हिस्सा है देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ये मैं दो अपने हाथ विजअली इस्तेमाल कर रहा हूँ यह आपका सफ़र का यह आपकी सफ़र की शुरुआत है यह आपके सफ़र की इंतहा है ठीक है तो मैं अगर जब इंतहा तक पहुँचता हूँ ना तो इसको अरबी में कहते हैं मैं किसी को हिदायत दूँ कि इंतहा तक पहुँच जाए तो वह कहते हैं हिदायत का लफ्ज़ लाम के साथ हदा लहू और अगर मैं उसको हिदायत के रास्ते की तरफ नतीजे की तरफ़ नहीं रास्ते की तरफ़ बता रहा हूँ कि ये यह यहाँ से टर्न लेना यहाँ से ऐसे जाना यहाँ से ऐसे जाना हदा इलाही तो अला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रस्ते के लिए लेकिन लाम का लफ्ज़ लाम्लाम उलया वो नतीजे के लिए तो कुरान में जैसे है अल्लाह एक सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है यहदी अला तरीक़ी मुस्तीम यहदी हकी व अला तरीक़ी मुस्तीम सफ़ में यानी वो एक सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे रही है यानी कुरान जो आपको हिदायत दे रहा है वो एक रास्ते पर आ जाओ और उसकी तरफ चलना शुरू हो जाओ जो तरफ़ीत है उसकी वो अला में होती है अच्छा दूसरी तरफ है अलहमदल हदाना लिहाजा ना इला हादा, ली हादा अब इस ली से क्या मुराद होती है जब हिदायत लाम के साथ आए तो मकसद ये होता है कि हम जन्नत वो आयत है जन्नत में इंसान पहुँच गया है हम मुसलमान जन्नत में पहुँच चुके हैं और फिर जन्नत में पहुँच के हम अल्लाह का शुक्र करते हैं अलहदुल्लह जिसने हमें हिदायत दी लीहाज़ा पूरे यहाँ तक यानी गायत तक हम अपने नतीजे तक पहुँच गए ना इसलिए वहाँ लाम का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो लाम होता है जब आप डेस्टिनेशन पर अपने जो फ़ाइनल आपका मकाम है जहाँ आपने पहुँचना था वहाँ तक पहुँच जाएँ और इला होता है रस्ते के लिए इस आयत में अब आप देखें आप ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं तो हमें तो है कि इला का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा तहा वासा अन्य रबी ली अकरबा अरबियत के तौर पर हमें एक्सपेक्टेशन थी हमें एक तो थी इला हादा लेकिन यहाँ है ली हादा ली हादा से क्या और ली अकरबा हादा ली क्यों इस्तेमाल हुआ इससे मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर मैं आज कल से एक फ़ीसद भी आगे बढ़ा हूँ ना मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की मैं अपने आखिरी नतीजे तक तो मैं नहीं पहुँचा लेकिन कुरान मुझे सिखा रहा है कि यही मेरा अल्टीमेट गोल है मेरा सबसे बड़ा गोल क्या है प्रोग्रेस मेरा मेरा गोल ये नहीं है कि मैं फ़र्ज़ करें मैं हाफ़ कुरान बन जाऊँ मेरा अगर गोल है कि मैं आज एक आयत याद कर लूँ वो मैं मैं कामयाब हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मौत का बानी है तो अगर मैं एक आयत याद करने की मैंने नीयत की थी और मैंने वो एक आयत याद की और फिर मुझे मौत आ गई तो मैं कामयाब हूँ क्योंकि मैंने उस दिन अपना मकसद पूरा किया और अगले दिन एक थोड़ा सा मकसद पूरा किया अगर आपने आ, आ, सीखने का सफ़र करना है आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सफ़र करना है आपने अंदर कोई तब्दीली लानी है उसमें कुछ चेंजेस लानी है तो हर दिन एक कामयाबी बन जाता है पता है साइकोलॉजिस्ट आजकल क्या बात कर रहे हैं वो स्प्रिंट्स की बात करते हैं जो जो मैराथन करते हैं ना लोग जो यू नो सौ सौ किलोमीटर की जो रेसेस वगैरह करते, है, करते हैं रन करते हैं उनमें कहाँ से स्टेमना होता है उनका माइंड क्या होता है वो पता क्या करते हैं वो देखते हैं वो भागरा विनर जो होते हैं वो कहते हैं मैं भाग रहा होता हूँ मेरे सामने एक छोटा सा दरख्त होता है या पौधा होता है मैं उस पर नजर रखता हूँ बस मुझे उस तक पहुँचता है मुझे और कुछ नहीं पता मुझे उस तक पहुँचना है वो जैसे ही उस पर पहुँचते है उसको आगे एक खंभा नजर आता है वो कहते हैं बस मुझे उस तक पहुंचना है उसके बाद यानी वो जहां वो एक छोटा सा गोल रखते हैं ये नहीं कहते ओ 80 किलोमीटर रह गए दो दिन का सफर रह गया वो देख वो सोचता ही नहीं उसके बारे में वो छोटे छोटे माइक्रो गोल्स रखते हैं और वही उसका असल गोल बन जाता है एक माइक्रो गोल के बाद दूसरे माइक्रो गोल के बाद तीसरे माइक्रो गोल और हर चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं साइकोलॉजी में है, हैबिट बिल्डिंग हैबिट uh, फॉर्मेशन की जो साइकोलॉजी है उसमें पढ़ाया जाता है कि आते है, अच्छी आते कैसे इंसान अंदर अपने अंदर डाले एक छोटा सा स्टेप ले उसको सेलिब्रेट करें जैसे अगर आज मैंने मैंने किसी ने कहना है मैंने एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली राइट right? तो वो एक दिन अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा तो उसको वो आज का दिन कामयाब किया ये नहीं अब तो मेरा वेट तो अभी, तो अभी तक नहीं कम हुआ मैं तो अभी तक हेल्थी नहीं हूँ मेरा तो अभी स्टेमना नहीं बढ़ा नहीं एक कामयाबी हो गई उसको सेलिब्रेट करो इसमें माइंड क्या है हिदायत की तरफ भी आप किसी और को देखे उसने तो कुरान भी याद किया हुआ है वो तो आलिम भी बना हुआ है वो तो इतना नॉलेजेबल है वो उतनी नमाजें पढ़ता है उसको कंपेयर करना छोड़ दो आपने एक स्टेप लेना है और आपने दुआ करनी है कि जहाँ मैं आज हूँ हाजा जहाँ मैं अभी हूँ उससे थोड़ा सा और करीब अगर मैं पहुँच जाऊँ तो मैंने अपना गोल मुकम्मल कर लिया मिनहाज़ा रोशदा यह माइंड सैट है ये एक साइकोलॉजी है इंसान की ये जहनीत है अगर ये जहनीत बन जाए ना तो इंसान अपने जो जो चीज़ें आप यू नो जो कारनामे आप कर नहीं सके ना जो अंजाम नहीं कर सके उनके बारे में सोच सोच के कुड़ते नहीं रहते मैंने ये भी नहीं किया मैंने वो भी नहीं किया मैं ये भी नहीं कर सका मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए अब वो सालों की बात या मैं कितना पीछे रह गया वो कितना आगे निकल गया वो सब चीज़ें आपके जहन से निकल जाती हैं बस एक चीज़ रह जाती है आज मैंने क्या करना है कुल आशा रबी इन यह दिए नहीं रबी लिया अकरबा मिनशा इससे थोड़ा करीब मुझे लिया है मेरा रब इससे थोड़ी और हिदायत मिल जाए मुझे इससे एक और मजीद मैं स्टेप ले लूँ एक छोटे छोटे स्टेप की प्रोग्रेस और कुछ लोग होते हैं जो स्टेप जल्दी ले लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हल्के हल्के चलते हैं यही हिदायत का सफ़र है मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ मैं जब मैंने इस्लाम के बारे में कुछ सीखना शुरू किया था न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क में उस वक्त तकरीबन डेढ़ सौ छोटी मोटी मस्जिदें और मसले थे और हर हर तरह की क्योंकि न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन का कैपिटल है ना तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं हर मुल्क से आते हैं हर मकतबा फिक्र से आते हैं तो मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था तो मैं कभी एक ग्रुप के पास जाऊँ तो वो एक बात करते हैं दूसरे के पास जाऊँ दूसरी बात करते हैं तीसरे के पास जाऊँ तो वो कहते हैं पहले दो जिनके पास तुम गए थे वो काफ़िर हैं तो हर एक का अपना एक इस्लाम था हर एक का अपना एक सिस्टम चल रहा था ना फिर वारानीयत थी और वो लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं उनको अरबी भी आती है कुरान भी आता है हदीस भी आती है और वो सारे वो चीज़ें कोट कर रहे हैं लेकिन सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूज़िंग सी चीज़ थी जब मैं कुरान पर आया हूँ जब मुझे कुरान से थोड़ा सा तारुफ हुआ है और जब मैं इस दुआ तक पहुँचाऊँ कि मेरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे थोड़ा सा और जहाँ पे मैं अभी हूँ उससे थोड़ा मज़ीद मुझे और गाइड कर देगा थोड़ा और गाइड कर देगा बस मेरी उम्मीद इतनी है तो मुझे इतनी तसल्ली हुई कि मुझे अब ये एंगजाइटी नहीं है कि मैं कहाँ से क्या सीखूँगा किसकी बात मानूँ किसकी बात ना मानूँ जस्ट अ अस आराम से सांस लो एक चीज़ सीख लो एक सूरत सीख लो एक आयत सीख लो एक छो छोटी सी अच्छी बात सीख लो तो मैं सारी चीज़ें आज समझने की क्या ज़रूरत है एक सफ़र है इंसान का अभी भी मैं कहता हूँ मैं कुरान 20 साल से 23 साल से पढ़ रहा हूँ मुझे अभी भी कुरान बहुत थोड़ा समझ में आता है जितना मैं थोड़ा मुझे समझ में आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है ये मेरे लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स ही मेरे लिए सेलिब्रेशन बन गए और मैं चाहता हूँ कि ये हर मुसलमान का एक एटीट्यूड बन जाए एक उसका रवैया बन जाए अपने दिन की तरफ और लाइफ की तरफ कि वो छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोज़ की आदतों को बदले उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए इससे बहुत फ़ायदा होगा इस, इस इस दुआ का आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए ऐसा रबी अन यह दियनी आशा अन यह दियनी रबी लिया अकरबा मिनहदा और शदा अल्ला हम सब को रुश की तरफ अच्छे सीधे रास्ते की तरफ قريب, سي قريب لا جاي. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته